फ्रेंड्स, मैं मनोज आप लोगों को गैजेट स्कूल चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे यूट्यूबर्स का सबसे पसंदीदा गैजेट, जो कि बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही भरोसेमंद है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स और ट्रैवल ब्लॉगर्स इसका उपयोग करते हैं और अपना अपना डाटा ट्रांसफर, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर और इंटरनेट कनेक्शन के लिए इसी का ही उपयोग करते हैं। चलिए देखते हैं ये वाला गैजेट। आइए मित्रों, सीधा वीडियो की तरफ। जो कि मैक्सिमम यूट्यूबर्स, उनके पास पुराना कंप्यूटर्स लैपटॉप है तो इंटरनेट कनेक्शन करने के लिए वो लोग यही गैजेट का उपयोग करते हैं, जो कि 802.11n, जो 950m वायरलेस मिनी USB अडैप्टर। जो पहले जो पुराना कंप्यूटर्स आता था जिसमें लैन कार्ड नहीं होता था, जो लोकल एरिया नेटवर्क एक्सेस कार्ड और NIC कार्ड भी उसको कहते हैं, जो नहीं था, तो वो सब कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप में ये जो हमारा 802.11n ये बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और इसी के माध्यम से ही हम लोग इंटरनेट कनेक्शन हमारा कंप्यूटर को मिल सकता है, लैपटॉप को मिल सकता है। तो आज हम देखेंगे इसका उपयोग करके कैसे हम इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हैं। ये जो गैजेट है जो यूट्यूबर्स में बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, क्योंकि इसमें देखेंगे आप, ये पढ़ेंगे कैमरा में दिख रहा होगा, इसमें आ रहा है ये नैनो एडेप्टर है और WPS और सॉफ्ट AP, वाईफाई यूटिलिटी भी इसमें है और ये विंडोज़ और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है और इसका फीचर्स जो है MIMO टेक्नोलॉजी है और एनहेंस्ड 950 Mbps तक भी ये काम कर सकता है। आप समझ सकते हैं 50 Mbps मीन्स कितना होता है, तो हमारा अभी भी मैक्सिमम कहीं पर 100 Mbps या 200 Mbps से भी ज़्यादा नहीं होता है, तो 950 Mbps वायरलेस डाटा ट्रांसमिशन रेट इसमें भी मिलता है और विथ 64 बिट या फिर 128 बिट WPA और WPA2 PSK वायरलेस सिक्योरिटी भी इसके पास में है और इंफ्रास्ट्रक्चर और एडहॉक ऑपरेशंस में ये USB 2.0 हाई स्पीड इंटरफेस से USB 2.0 में भी ये काम करता है। तो 2.0 मीन्स ये 3.0 में भी काम करेगा, ऐसा नहीं कि खाली 2.0 में काम करेगा। ये बंडल्ड यूटिलिटी हेल्प्स सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड ईजी मॉनिटरिंग। तो ये हो गया हमारा जो टोटल इसके ऊपर दिया हुआ है और ये बैक साइड ऐसे दिया हुआ है, हमारा एक वायरलेस एडाप्टर लिखा हुआ है और ये जो 950M वायरलेस N मिनी USB अडाप्टर, मॉडल नंबर उसका दिया है WTWEA950NM। तो ये कंफर्टेबल ड्राइवर है, विंडोज़ XP जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम आता था, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8, 10 और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये काम करता है और ये सब इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है IEEE 802.11n, यही सबसे स्टैंडर्ड होता है IEEE 802 और 0.11n, जो कि इसी के नाम पर ही बना हुआ है। और अभी हम देखेंगे इसका निकाल के क्या क्या है इसके अंदर। ये है हमारा ये जो छोटा सा जो माइक्रो गैजेट है और ये है हमारा इसके अंदर एक दिया हुआ है ड्राइवर। आप समझ जाइए कि ये ड्राइवर दिया हुआ है, मतलब कोई भी पुराना कंप्यूटर जो लैपटॉप है उसमें ड्राइवर सपोर्ट उसमें नहीं होता था पहले, तो उसको सपोर्ट करने के लिए ये ड्राइवर CD दिया हुआ है। पहले हम लोग ये ड्राइवर को इंस्टॉल कर देना है, फिर ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद ही ये कोई भी सिस्टम में काम करेगा। जबकि मैंने अपने लैपटॉप में ऑलरेडी ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया है, तो इसीलिए अब हम डायरेक्ट इसको लगा के, आपके कंप्यूटर में काम नहीं कर रहा है ड्राइवर तो फिर इसको पहले इंस्टॉल कीजिए, फिर उसके बाद जाके ये जो हमारा USB जो कनेक्टर है इसको कनेक्शन कीजिए। अभी मैं दिखा देता हूँ इसको डायरेक्ट कैसे लगा के। ये हो गया हमारा लैपटॉप, मैं इसको ले आता हूँ पास में, आप देख लीजिए, और इसको भी मैं कनेक्शन ऐसे कर देता हूँ, ये साइड में एक पोर्ट दिया हुआ है और ये पोर्ट के माध्यम से फिर ये कनेक्शन होगा। आप देखिए ये कनेक्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे इसको ये देखिए आप, उसके लिए ये मार्केट में इसका प्राइस तो दिया हुआ है 499, लेकिन ये बहुत ही बड़े डिस्काउंट में भी मिल जाता है, तो
इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, आप कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग से आप ले सकते हैं। लेने के बाद इसको ऐसे ही डायरेक्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा इंटरनेट अभी इसमें चल चुका है, और खाली इंटरनेट नहीं, आप इसमें भी जितना भी इंटरनेट रिलेटेड वर्क भी बाय यूजिंग ऑफ दिस वन, ये इसका उपयोग करके आप कर सकते हैं। तो आज ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही आगे यूट्यूबर्स और ब्लॉगर्स के लिए जो जो उपयोगी गैजेट्स हैं आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे।